तो स्पेशली इसलिए क्योंकि उसका बर्थडे है आज। यहाँ पर है इसका एक अलग ही मैटर है इसका। तो हाय एवरीवन, दिस इज गुरु एंड यू आर वाचिंग गुरुज व्लॉग। मेरा व्लॉग्स का चैनल है तो आप वो देख रही हैं। तो आज हम कॉलेज जा रहे हैं तो रेडी हो गया हूँ, बस मैं निकलने वाला हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए मुझे अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जो भी है। कैसे हो आप सारे? आप सब बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही होना चाहिए, और तो क्या होना चाहिए। आज की मैं कहानी आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज। आज हमारे सुब्रत का बर्थडे है तो पहले तो मतलब वो कॉलेज आज आने वाला है नहीं, तो देखेंगे उसको, इसको जाके थोड़ा विश विश करेंगे और पार्टी वार्टी करेंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो पहले हम कॉलेज जाते हैं। मैं घर से तो निकल गया हूँ और मैं अभी आपको सीधा कॉलेज जाके ही बताता हूँ क्योंकि ये ट्रैवलिंग रेवलिंग मैं बताने वाला हूँ नहीं क्योंकि इतनी अच्छी होती नहीं है। तो देखिए, तो मैं हूँ रोड पे कॉलेज जा रहा हूँ और साथ में हमारे राजेश भी है। और अभी तो फ़िलहाल हम कॉलेज जाएंगे और उसके बाद में का प्लान हम बाद में बताएंगे आपको। राजेश है यहाँ पर, तो आप जब तक एक काम करिए, मैं कॉलेज जाता हूँ तो आप ये क्या करें, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर लिंक्स होंगे बहुत सारे, उसको क्लिक करें और मेरे वीडियोस देखें। तो कॉलेज हमारा हो गया है और टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं सुब्रत के पास उसको सरप्राइज़ देने। पहले तो हमने उसको बोला था कि हम आ नहीं रहे हैं उसको, और अभी उसको जाके सीधा सरप्राइज़ दे रहे हैं। हमारे उसके लिए हमने कुछ लिया भी है, कुछ पेस्ट्रीज लिए है क्योंकि उसका बर्थडे है आज, तो उसका थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। देखेंगे क्या करते हैं। फ़िलहाल तो हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ का भी मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाऊंगा कि वो कौन से रेस्टोरेंट और कहाँ पर हम जाते हैं। हाय सुब्रत, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। और कैसा है? सब बढ़िया, बिलाव बिलाव सब अच्छा चल रहा है ना? उसको सब कुछ देना है, वेज में जो भी है। वेज में अपन को सब चलता है, खाली नॉन वेज वाला इन्हें और एक इन्हें, पर इन्हें आज वेज खा रहा है। थर्सडे है, साईं बाबा का बर्थडे, आज थर्सडे बोल के इन्हें वेज खा रहा है। वैसे हमारा तो रोज का 1 kg चलता है। खाना आ गया है, ये है वेज बिरयानी, और ये भी वेज बिरयानी है जितनी बार दिखा। और यहाँ पर है इसका एक अलग ही मैटर है इसका, चिकन बिरयानी, क्योंकि इसका बर्थडे है। अभी हम खाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, तो ये खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो हमारा अभी आधा ख़त्म हो गया और राजेश को कोई ज़रूरी काम है तो ये बाय बाय ख़त्म करके निकल रहा है। बाय राजेश, हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा खाना आना हो गया और अभी हम पेस्ट्री खाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना जगह काफ़ी हो नहीं रही थी, मतलब लंच टाइम है ना तो थोड़ा ज़्यादा रहता, तो हम यहाँ पर खाएंगे। पेस्ट्री है सुब्रत का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। क्या बात है, प्रीमियम टेस्ट, खाने के साथ में मीठा, खाने के बाद में मीठा। गाड़ियों का थोड़ा आवाज़ आएगा तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ क्योंकि माइक उतना अच्छा है नहीं तो आवाज़ तो आएगी। तो अभी हमारा हो गया है पेस्ट्री खाने का और लंच भी, सुब्रत पार्टी थी आज तो काफ़ी मज़ा आया हमें। अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में नहीं, ऊपर से, और फिर वहाँ से मैं बस पकड़ के घर को चले जाऊँगा। सुब्रत को ऐसे ही साथ में ला लिया क्योंकि उसका बर्थडे है ना। बर्थडे है तो कुछ भी करूँगा, बर्थडे है तो कुछ भी करता। और मैं वहाँ से बस पकड़ूँगा और सीधा घर। फाइनली घर पे आ गया हूँ मैं और मुझे आके 1 घंटा हो रहा है। तो मैं ना क्या करता हूँ ना, जब भी मैं ऐसा ये बस से कॉलेज आता जाता हूँ ना, या बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ क्योंकि ये बस ना ट्रैफिक में इतने इनके हॉर्न्स बजते हैं, इतने मतलब स्लो स्लो, ऊपर से धूप, तो एकदम हालत ना ख़राब सी हो जाती है। तो मुझे बस आके थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। मैं आपको बताना भूल गया कि ये वाला जो मेरा वीडियो है, ये है मेरे चैलेंज का फर्स्ट वीडियो। मैं सुबह आपको बताना भूल गया, ये फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट से लेकर 10th तक
पूरे लाइन से वीडियोस आएंगे, तो आप पूरे देखना लाइन से। और अगर मेरे पुराने वीडियोस देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप बताइए यार कमेंट करके कि आपके मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। जल्दी जल्दी आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि आज क्या हुआ पूरे दिन में। आज ये हुआ कि हम कॉलेज में थे, कॉलेज से फिर वहाँ गए रेस्टोरेंट में, वहाँ पर हमने फुल मस्ती की। हालांकि वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मैं बना ही नहीं सका वीडियो, प्रॉपर बना नहीं सका। वहाँ से हम घर पे आ गया, मतलब पूरे जने अलग अलग चले गए घर पे, क्योंकि राजेश तो पहले चले गया था, फिर हम बचे हम दोनों, तो हम दोनों भी घर पे अलग अलग चले गए थे। और अभी ये इवनिंग है, तो ये थी आज की पूरी कहानी। ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस 200 होने वाले हैं, तो फुल सपोर्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग, अभी ये व्लॉग मुझे एडिट भी करना है, तो जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो बाय।